सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोर व्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये है Realme X और इस फोन को लेके हमने ऑलरेडी काफी सारा वीडियोस डाल दिए हमारे चैनल में और अभी हमें पता है कि Realme X बहुत ही एक बढ़िया फोन है जिसमें आपको हर एक चीज जो नया आपको किसी भी फोन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारा चीज आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है मिड रेंज प्राइस के अंदर। और अगर आप बात करें वैल्यू फॉर मनी की तो ये फोन एकदम सुपर पैक्ड फोन है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारा चीज जैसे कि पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 48 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी कैमरा सेंसर, उसके साथ एमोलेड डिस्प्ले और एक बढ़िया प्रीमियम डिजाइन आपको ऐसे प्राइस में मिल रहा है जो आपको दूसरे किसी भी फोन में इन सारे जिसके साथ इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है कलर ओएस 6 और इन सारे फीचर्स के साथ इस फोन में आपको कुछ बढ़िया यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाता है इसकी एंड्रॉयड ओएस के अंदर जो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसा यूनिक फीचर्स जो आपको मिलता है Realme X की कलर ओएस 6 में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं नेटिव वीडियो कॉलिंग फीचर की। मतलब फोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट्स में चले जाते हैं तो यहाँ से किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी नंबर को अगर आप डायल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन जो आप यूज कर सकते हैं और उस कॉन्टैक्ट को आप डायरेक्टली यहाँ से वीडियो कॉल कर सकते हैं। पर आपको ध्यान में रखना है कि आपके फोन में जो सिम कार्ड आप यूज कर रहे हैं उसमें वोल्टी सपोर्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट जो फीचर है वो अगेन फोन एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग्स में जाके आप नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप हर एक कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट की कॉल को आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बात करते हैं ऐप ड्रॉयर की जो आपको मिलता है कलर ओएस 6 में। तो कलर ओएस 6 में जो आपको ऐप ड्रॉयर मिलता है वो आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चले जाते लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन में सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन मोड, ड्रॉयर मोड या फिर स्टैंडर्ड मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको नॉर्मल कलर ओएस 5 जैसा यूआई देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई ऐप ड्रॉयर जैसा कुछ नहीं मिलता है और सारा एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन के अंदर ही मिल जाता है। तो सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से होम स्क्रीन मोड को टॉगल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐप ड्रॉयर में ही आपको एक फीचर मिलता है ऐप प्रेडिक्शन बोल के, जहाँ पर इस रो में आपको ऐसा एप्लीकेशंस दिखाता है जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने फोन में। और अगर आप चाहे तो इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। अगेन सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको मिलता है शो ऐप प्रेडिक्शन, इसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऐप ड्रॉयर के अंदर ऐप प्रेडिक्शंस का रो दिखाई नहीं देगा। ऑलराइट, इसमें आपको मिलता है एक नेटिव या फिर ग्लोबल सर्च बार जो आप एक्सेस कर सकते हैं सिंपली स्वाइप डाउन करके। यहाँ पर आपको मिलता है ग्लोबल सर्च का ऑप्शन, मतलब यहाँ से आप किसी भी फोन की फाइल्स या फिर एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम टाइप कर लेते हैं एसफोल्ट 9 तो यहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब अगर हम सर्च करें लेट्स से पेरिस, तो यहाँ पर पेरिस टाइप करके अगर आप टैप करते सर्च दी वेब पेज तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंटरनेट सर्च भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कलर ओएस 6 में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ मूव कर सकते हैं। मतलब अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं होम स्क्रीन में तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशंस को आप एक साथ मूव करना चाहते हैं। तो सारे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद टैप एंड होल्ड कीजिए तो आप एक साथ इन चार एप्लीकेशंस को मूव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो कलर ओएस 6 में आपको कुछ नेविगेशंस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप चले जाते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स के अंदर कॉन्वीनियंस एड में आपको मिलता है नेविगेशन कीज, जेस्टर्स या फिर वर्चुअल कीज को यूज कर सकते हैं। मतलब हम अभी यूज कर रहे हैं वर्चुअल कीज को तो यहाँ पर आपको वर्चुअल कीज दिखाई दे रहा है, पर अगर आप चाहे तो स्वाइप जेस्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये है सिंपल स्वाइप जेस्टर्स, उसके साथ आपको मिलता है स्वाइप जेस्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। और अगर आप किसी भी साइड से अगर आप ऐसे स्वाइप करते हैं तो आप बैक जा सकते हैं, स्वाइप करके होल्ड करने से प्रीवियस एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप बैक करते हैं कन्वीनियंस एड में तो आपको मिलता है असिस्टिव बॉल। ये अगेन नेविगेशन एक ऑप्शन है जो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको मिलता है एक बॉल, इसको अगर आप टैप करते एक बार तो आपको बैक चला जाएगा और उसके साथ अगर आप डबल टैप करते तो मल्टीटास्किंग विंडो आ जाएगा और अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो आपको मिल जाता है होम स्क्रीन। तो ये अगेन एक ऑप्शन है
नेविगेशन के लिए जो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट साइड बार की। तो यहाँ से अगर आप स्वाइप टूवर्ड्स लेफ्ट करते तो आपको ये साइड बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्शंस जैसे कैमरा, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर कुछ एप्लीकेशंस अगर आप चाहे तो मैन्युअली यहाँ पर डाल सकते हैं जो आप क्विकली एक्सेस यहाँ से कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अगर सेटिंग्स में चले जाते हैं तो वाईफाई ऑप्शन में आपको मिलता है डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन। मतलब इस ऑप्शन को अगर आप एनेबल कर देते हैं तो मोबाइल डेटा और वाईफाई नेटवर्क को एक साथ यूज करके आपको बेटर या फिर स्मूदर इंटरनेट एक्सपीरियंस इस फोन में देखने को मिल जाएगा। पर इसमें सिर्फ सपोर्ट होता है ये सारे एप्लीकेशंस जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सो नाउ सेटिंग्स के अंदर अगेन आपको अदर वायरलेस कनेक्शंस में दिखाई देगा वाईफाई टेथरिंग। तो इसे यूज करके आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क को दूसरे फोन्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फोन में एक वाईफाई नेटवर्क ज्वाइंट है और अगर आपको उस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड पता नहीं है और आप चाहते हैं आपके दूसरे फोन में उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, तो आप चाहे तो वाईफाई टेथरिंग को ऑन कर सकते हैं। इसे एनेबल करने से जिस वाईफाई नेटवर्क में आप ज्वाइंट है उसी वाईफाई नेटवर्क की इंटरनेट को आप शेयर कर सकते हैं दूसरे फोन्स के साथ। नाउ यहाँ पर अदर वायरलेस कनेक्शंस के अंदर आपको मिलता है मल्टी स्क्रीन इंटरेक्शन जो एक स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है। मतलब इसे एनेबल करके आपके फोन की स्क्रीन को आप किसी भी एंड्रॉयड एनेबल टीवी या फिर टीवी बॉक्स में आप डायरेक्टली स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपको स्टेटस बार में जो बैटरी का आइकन दिखाई देता है वहां पर आपको बैटरी परसेंटेज दिखाई नहीं देगा, और अगर आप चाहे तो इसे एनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के अंदर आपको मिलता है बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन, जिसे अगर आप एनेबल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बैटरी परसेंटेज। और उसके साथ अगर आप नेटवर्क स्पीड को भी देखना चाहते हैं स्टेटस बार में तो आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड दिखाई देगा इसे एनेबल करने के बाद। ऑलराइट दोस्तों, जैसा हमें पता है कि इस फोन में मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। मोस्ट ऑफ द एमोलेड डिस्प्ले फोन में आजकल हमें मिलता है एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन। तो रियलमी एक्स की कलर ओएस 6 में भी आपको एम्बिएंट डिस्प्ले जैसा एक फीचर मिलता है। तो अगर आप चले जाते हैं सेटिंग्स में तो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आपको मिलता है ऑफ स्क्रीन क्लॉक, और इसे अगर आप एनेबल कर देते हैं और उसके बाद टैप कर लीजिए पावर बटन को, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का जो एनिमेशन है उसके साथ आपको यहां पर दिखाई देगा एक एम्बिएंट डिस्प्ले जैसा क्लॉक जो दिखने में काफी बढ़िया लगता है। और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इसे एनेबल करने के बाद भी आपको इस फोन में ज्यादा बैटरी ड्रेनेज जैसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगा। और उसके साथ साथ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप चाहे तो फॉन्ट साइज या फिर डिस्प्ले साइज को यहां से आप चेंज कर सकते हैं। नाउ इस फोन में हमें जो मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, और अगर आप के फोन में ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है और आपको वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें नेटिवली फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर उस एप्लीकेशन में टैप करके आप मैनुअली या फिर फोर्सफुली फुल स्क्रीन डिस्प्ले को एनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों रियलमी एक्स में हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा, और बाय डिफॉल्ट आपको पॉप सेल्फी कैमरा या फिर इन डिस्प्ले स्कैनर को यूज करने के टाइम कोई एनिमेशन साउंड सुनाई नहीं देगा। तो आप अगर चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं। सिंपली सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको मिल जाता है नीचे की तरफ पॉपअप कैमरा मूवमेंट साउंड, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन दिखाई देगा। और इसमें आप चाहे तो ये तीन ऑप्शंस में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी साउंड को, और इसे इनेबल करने के बाद अगर आप पॉपअप सेल्फी कैमरा को ट्रिगर करते हैं तो आपको सेल्फी कैमरा के लिए साउंड सुनाई देता है ना। उसके साथ साथ आपको नीचे की तरफ मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड। इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलता है मतलब साउंड को सिलेक्ट करने के लिए, पर आपको मिलता है एक एनिमेशन साउंड जो आप अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करते हैं तो आपको वो साउंड सुनाई देगा। तो सो बहुत लोग ऐप लॉक को यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, और प्ले स्टोर से हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं ऐप लॉक या फिर किसी भी फाइल को हाइड या फिर लॉक करने के लिए। तो रियलमी एक्स में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको एक नेटिव ऐप लॉक या फिर प्राइवेट सेफ जैसा फाइल को हाइड करने वाला ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली सेटिंग्स के अंदर आपको फिंगरप्रिंट्स फेस एंड पासकोड का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासकोड का ऑप्शन मिलता है जिसे अगर आप एनेबल कर देते हैं। नाउ पासकोड को एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऐप लॉक का ऑप्शन, जहाँ पर आप जाके किसी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को यहाँ से डायरेक्टली लॉक कर सकते हैं। तो अगर हम लॉक कर लेते हैं फेसबुक एप्लीकेशन को, ऑलराइट तो हमने लॉक कर लिया फेसबुक एप्लीकेशन को। तो अगर हम अभी चला लेते हैं फेसबुक ऐप को तो यहाँ पर हमें पासकोड मांग रहा है। ऐसे आप चाहे तो
फेसबुक या फिर किसी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को नेटिव ऐप लॉक को यूज करके आप उसे लॉक कर सकते हैं। उसके साथ आपको सेटिंग्स के अंदर अगेन फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक के अंदर आपको मिलता है एक फाइल हाइड या फिर फाइल को लॉक करने जैसा ऑप्शन जो है प्राइवेट सेफ। तो इसमें जाके अगेन आप किसी भी फाइल या फिर फोटोज को चाहे तो हाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो आप देख सकते हैं। अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज करने के टाइम जो एनिमेशन आपको दिखाई दिया वो एनिमेशन अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। सिंपली चले जाए सेटिंग्स के अंदर फिंगरप्रिंट फेस एंड पासकोड में, फिंगरप्रिंट में अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एनिमेशन स्टाइल और यहाँ पे आपको चार पांच एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाता है जिसे आप चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हम एक एनिमेशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो है दी ग्रेविटी और देख लेते हैं इसका एनिमेशन स्टाइल। ऑलराइट, ओके, तो जैसे आपने देखा कि एनिमेशन स्टाइल चेंज हो गया है और ये दिखने में काफी कूल लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, इस फोन में जो आपको फेस अनलॉक मिलता है उसमें अगर आपका आंखें बंद है फिर भी फेस अनलॉक हो जाता है जो एकदम ही सिक्योर नहीं है, तो अगर आप चाहे तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। सिंपली फेस ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं जो है क्लोज्ड आईज विल फेल फेस रिकॉग्निशन। तो अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो उसके बाद आपके आंखें बंद होने से फेस अनलॉक नहीं होगा। और तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और जेस्चर फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर कन्वीनियंस 8 के अंदर आपको मिलता है जेस्चर्स एंड मोशन और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हमें कुछ मिलता है जैसे कि डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, उसके बाद है ड्रॉ O टू एनेबल कैमरा, ड्रॉ V टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। सिंपली अगर आप इसे एनेबल कर देते हैं तो लॉक स्क्रीन में ऐसे V ड्रॉ करने से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये है कुछ स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स जो अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगेन जेस्चर्स एंड मोशन में यहाँ पर आपको रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन, मतलब आपके फोन अगर टेबल पे है तो ऐसे उठा के फेस की तरफ करने से स्क्रीन ऑन हो जाएगा इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। उसके बाद है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, ऐसे थ्री फिंगर्स को यूज करके अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। ओके, तो इस फोन में आपको सिक्योरिटी के अंदर मिलता है किड्स मोड और अगर आप फोन को किसी भी बच्चे के हाथ में देते हैं तो आप एनेबल कर सकते हैं किड्स मोड को या फिर किड्स स्पेस को। तो इसे एनेबल करते टाइम आप कुछ मैनुअल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप एनेबल करना चाहते हैं, तो आप वही सेट ऑफ एप्लीकेशन को सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे किड्स मोड के अंदर। ऑलराइट, तो अभी हम चले जाते हैं हमारे रिसेंट्स या फिर मल्टीटास्किंग विंडो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कहीं पे रैम स्टेटस या फिर फ्री रैम जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अगर आप चाहे तो इसे एनेबल कर सकते हैं। सिंपली चले जाए सेटिंग्स में और उसके बाद आपको मिल जाता है एडिशनल सेटिंग्स और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपको मिलता है डिस्प्ले रैम या फिर मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क। तो इसे एनेबल करने के बाद आपको रिसेंट पैनल में यहाँ पर रैम ऑप्शन या फिर फ्री अवेलेबल रैम आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन एडिशनल सेटिंग्स में मिलता है OTG कनेक्शन और इस फोन में OTG सपोर्ट है और अगर आपके पास OTG केबल है और अगर आप किसी भी पेन ड्राइव या फिर और रिमूवेबल डिवाइस को यूज करना चाहते हैं अपने फोन में तो आप इसे यहां से एनेबल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है क्लोन एप्स का ऑप्शन और अगर आपका 2-3 फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप साइमल्टेनियसली उन सारे अकाउंट्स को अपने फोन में यूज कर सकते हैं। और यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को क्लोन एप्स के अंदर यूज कर सकते हैं और अगर आप चले जाते हैं एप्स दैट कैन बी क्लोन्ड इसमें तो आपको दिखाई देगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो आप क्लोन एप्स में यूज कर सकते हैं। इन सारे एप्लीकेशंस को आप चाहे तो क्लोन बना सकते हैं जिसके बाद आप अपने फोन में 2 फेसबुक अकाउंट को साइमल्टेनियसली यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अगेन सेटिंग्स में आपको मिलता है एप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, स्वाइप अप करते हैं 3 फिंगर से तो आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है या फिर अगर आप चले जाते हैं रिसेंट पैनल में आपको 3 डॉट्स दिखाई देता है तो इसे टैप करके यहां से भी आप स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐप लॉक की तरह आपको इस फोन में कोई थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन भी यूज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सेटिंग्स के अंदर आपको यहां पर मिलता है सिस्टम एप्स जिसके अंदर आपको एक नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है पर इसमें आपको एक लिमिटेशन मिलता है जो है वीडियो रेजोल्यूशन। यहां पर आप सिर्फ 720p तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि आप इस फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे नॉर्मली स्वाइप डाउन करके 3 फिंगर से,
पर अगर आप चाहे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे सिंपली स्क्रीनशॉट लेके लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन टैप कर दीजिए, उसके बाद स्क्रॉल कर लीजिए और आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फाइनली चले जाते हैं कैमरा ऐप में। और दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है 960fps का स्लोमो वीडियो रिकॉर्डिंग, तो चले जाइए स्लोमो के अंदर और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 120-240 या फिर 960fps का स्लोमो वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके साथ इस फोन में आपको एक डेडिकेटेड नाइट मोड या फिर नाइटस्केप का ऑप्शन मिलता है, जिससे यूज करके आप कुछ बढ़िया नाइट मोड इमेजेस ले सकते हैं, क्योंकि इस फोन में हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल की IMX586 सेंसर, जो बहुत ही बढ़िया है नाइट फोटोज या फिर लो लाइट फोटोज के लिए। उसके बाद आपको वीडियो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं 720, 1080 या फिर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमें एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल रहा है अल्ट्रा 48 मेगापिक्सल, तो इसे आप एनेबल करके 48 मेगापिक्सल सेंसर को यूज करके पिक्चर्स ले सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, ये था कुछ बढ़िया टिप्स ट्रिक्स या फिर कुछ यूनिक फीचर्स जो आपको मिलता है रियलमी एक्स की कलर ओएस 6 में। पर नाउ आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया फीचर कौन सा लगा है। और यही था आज के वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।